Hi everyone, let's start DBMS. अच्छा, अब DBMS start करने से पहले let's look at the basic definition of our database. ठीक है, तो database क्या होता है कि एक collection होती है. Collection होती है, अब किस चीज की collection? Collection of related data. अच्छा, अब रिलेटेड डेटा क्या होता है और कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन मीन्स सेट, जैसे मैथ्स में सेट होता है, ठीक है, तो वो भी एक कलेक्शन होती है. ठीक है, ऑफ रिलेटेड डेटा. रिलेटेड डेटा मतलब जो डेटा जो एक दूसरे के सिमिलर हो, जो एक दूसरे से रिलेट कर रहा हो. फॉर एग्जांपल, कोई स्कूल है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि वो एक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो इसलिए उन सब का डेटा हो गया रिलेटेड डेटा. तो हमने अगर उन स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन स्टोर करी, फॉर एग्जांपल हमने उनके एकेडमिक रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर करी, फॉर एग्जांपल हमने उनके मार्क्स स्टोर करे, सो दैट कलेक्शन इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है तो वो क्या हो गया? हमारा डेटाबेस हो गया. तो हमारा एग्जाम्पल हो गया मार्क्स of students. ठीक है, तो ये हमारा रिलेटेड डेटा होगा. और हमें किसी का स्टोर करा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने फाइल में स्टोर कर दिया हमें इसे पूरे को, तो ये जो हमारी फाइल हो गई, दिस इज अ डेटाबेस. ठीक है, तो अब हमें जब डेटाबेस समझ आ गया तो हम DBMS समझते क्या होता है. DBMS means डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, तो DBMS एक सॉफ्टवेयर है. अब सॉफ्टवेयर क्यों है? ताकि हम जो हमने अभी डेटाबेस समझा है, उस डेटाबेस को कुछ मैनेज तो हम करेंगे ना. ठीक है, तो उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए एक बहुत एफिशिएंट तरीके में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है DBMS. ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है टू मैनेज डेटाबेस. अब डेटाबेस कैसे? एफिशिएंटली. वैसे तो हम इस सॉफ्टवेयर को ना भी यूज करें, खुद ही मैनेज कर लेंगे इस फाइल को. ठीक है, पर अपने आप मैनेज करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है. ठीक है, तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो हैम्पर हो सकती है. ठीक है, तो ये एफिशिएंसी ताकि हैम्पर ना हो, हम यूज करते हैं DBMS. ठीक है, तो DBMS हम डिफरेंस देख लेते हैं एक बारी छोटा सा, कि हमारे DBMS और हमारा फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है. तभी हमें एक्चुअली मोटिवेशन मिलेगी ना कि हमने DBMS क्यों ये सब्जेक्ट बनाया. पूरा एक हैवी सब्जेक्ट है, तो क्यों बनाया, क्या नीड थी. तो हम डिफरेंस देख लेते हैं DBMS एंड यहाँ पर फाइल सिस्टम. ठीक है, अब DBMS में क्या होता है? हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंस होती है. अब डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? डेटा इंडिपेंडेंस. ठीक है, अब डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है फाइल में, वो उसकी स्टोरेज इन्फॉर्मेशन हम हाइड कर देते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल यूजर. ठीक है, तो हम एक्चुअली डेटा की स्टोरेज की एक्चुअली परवाह करे बिना अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. तो हमारी डेटा इंडिपेंडेंस हो गई. ठीक है, तो इससे हमारी डेटा इंडिपेंडेंस की वजह से क्या हो गया? हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स easy to develop हो गए. ठीक है, क्योंकि हमें डेटा चाहिए अल्टीमेटली, और डेटा की अगर हम सारी स्टोरेज इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ अगर हम बता देंगे तो हमारे पास फिर वही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. तो डेटा इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, तो हम DBMS यूज करते हैं.
ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है फाइल सिस्टम में कोई डेटा इंडिपेंडेंस है नहीं, सारी की सारी चीजें हमने यूजर ने डिफाइन करी है, तो यूजर को सारी चीजों की बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे कि उसकी फाइल है तो फाइल की सिक्योरिटी, फाइल के एक्सेस मेथड्स, सब कुछ यूजर को देखना पड़ेगा, ठीक है, तो एक्सेस राइट सब कुछ देखना पड़ेगा. तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर टू कॉम्प्लेक्स टू डेवलप, ठीक है, तो यहाँ पे यही काउंटर पॉइंट आ जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर कॉम्प्लेक्स टू डेवलप, ठीक है. अब यहाँ पर एक तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मुश्किल है, ऊपर से सब कुछ यूजर ने हैंडल कर रखा है, सब कुछ यूजर के हाथ में है, कोई डेटा इंडिपेंडेंस भी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा आईओ कॉस्ट वो ज्यादा होगा फाइल सिस्टम में, ठीक है, और यहां पर आईओ कॉस्ट कम होगा क्योंकि यहां पर हमने सब कुछ तो डेटाबेस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को नहीं बोला हुआ ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस की नहीं दी हुई, तो उसमें क्या होता है हमारे यहाँ पर एक टेक्निक यूज होती है इंडेक्सिंग, जो हम बाद में पूरी डिटेल में कवर करेंगे इंडेक्सिंग. सो हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं, उसकी वजह से हमारी आईओ कॉस्ट कम हो जाती है डीबीएमएस में, ठीक है. तो ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लेस डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी एंड यहां पर मोर डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी. अब यहां पर हमें मोर, अब अच्छा पहले डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी सोच लेते हैं क्या होता है, देख लेते हैं. अब डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है, डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी जितने नंबर ऑफ यूजर्स हमारे डेटाबेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं वो होता है डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी. तो अब यहाँ पर ज्यादा क्यों है, यहाँ पर ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डेटा इंडिपेंडेंस है ना, तो डेटा इंडिपेंडेंस है तो सारी चीजें हमें एक साथ हैंडल नहीं करनी, ठीक है. तो हम यहाँ पर अगेन ये पूरा एक डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी, ये सारी चीजें अलग से ट्रांजेक्शन कंट्रोल में आएगी, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में, तब समझ आएगा ये यहाँ पर मोर डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी कैसे है, ठीक है. यहाँ पर लॉक लेवल जो लॉक मैकेनिज्म होता है दैट इज वेरी एडवांस, और यहाँ पर ऐसा नहीं होता फाइल सिस्टम में. तो फाइल सिस्टम में ये डिसएडवांटेज ही हो गया एक तरह से कि सब कुछ यूजर को मेंटेन करना पड़ रहा है, तो यूजर ने सारी चीजें एक जगह मेंटेन करने की वजह से देर इज नो हायरार्की, देर इज नो एब्स्ट्रैक्शन, तो उसकी वजह से सारी चीजें एक साथ हैंडल करने की वजह से लेस डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी हमें ऑफर हो रही है, ठीक है. तो अब इस मतलब जब DBMS की एडवांटेजेस पता लग गई, सो लेट्स डिग अ लिटिल डीपर. तो हम देखते हैं कि DBMS एग्जैक्टली कहाँ लाए करता है हमारा, कि यहाँ पर हमारे यूजर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे सपोज दिस इज द डेस्क, ठीक है. तो अब यूजर यहाँ है, डेस्क यहाँ है, यूजर को डेस्क को एक्सेस करना है, ठीक है. तो हमें बीच में एक सॉफ्टवेयर हमने दे दिया एंड हमने सॉफ्टवेयर को बोल दिया DBMS. तो अब यूजर डेस्क को एक्सेस कर सकता है, डेस्क में से डेटा आ सकता है यूजर के पास यूजिंग DBMS, ठीक है. तो ये यूजर और डेटाबेस फाइल्स के बीच में एक इंटरफेस हो गया, ठीक है, यूजर और डेटाबेस फाइल्स के बीच में एक इंटरफेस हो गया. तो हमें DBMS डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने जब ये इंटरफेस हो गया तो हमें यहाँ पे कोई भी स्टोरेज डिटेल्स नहीं पता DB फाइल्स की, यूजर को कोई स्टोरेज डिटेल्स नहीं पता, वो DBMS को यूज करके एक्सेस कर रहा है डेस्क को, ठीक है.
तो हमें डेटा इंडिपेंडेंस मिल गई, राइट तो अब जो यूजर है डेटाबेस को यूज कर सकता है विदाउट हैविंग द नॉलेज कि डेटा कैसे स्टोर्ड है, ठीक है। तो इस DBMS में क्या होगा, हमारे पास एक तो UI होगा एंड एक मेटा डेटा होगा, मतलब एक तो UI मतलब यूजर इंटरफेस होगा कि यूजर को कैसा दिखाना है सॉफ्टवेयर, है ना, हर सॉफ्टवेयर में होता है, एंड मेटा डेटा होगा जहां पर हम क्या स्टोर करेंगे। अच्छा ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस, मेटा डेटा में क्या स्टोर कर सकते हैं हम। सो हम मेटा डेटा में स्टोर करेंगे कि जो हमारा डेटा DBMS में स्टोर्ड है कि कैसे स्टोर्ड है हमारा DBMS में डेटा स्टोर कैसे है, तो हम मेटा डेटा में डिफाइन कर देंगे। हम फाइल फॉर्मेट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम इसमें जो भी हमारी फाइल की लोकेशन है डिस्क में वो हम उसका नेम, उसके लोकेशन, ये सब कुछ हम मेटा डेटा में डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए हम मेटा डेटा भी स्टोर करते हैं DBMS में, ठीक है ओके। एंड ये तो हमारा हो गया जब DBMS हम यूज़ कर रहे हैं, एंड हमारा जो फाइल सिस्टम था उसमें क्या था, यूज़र डायरेक्टली डिस्क को एक्सेस कर रहा था, तो देर इज़ नो इंटरफेस, यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं है, ठीक है। तो सारी की सारी यहाँ पे जितनी भी फाइल स्टोर्ड है डिस्क में सारी यूज़र को ही देखनी है, ठीक है। तो यूज़र को सारी स्टोरेज डिटेल्स वगैरह सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर फाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी डिस्क में, बहुत बड़ी फाइल्स हो जाएगी, तो यूज़र को बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे मैनेज करना, क्योंकि यूज़र को सारी चीज़ें उसके देखनी है, फाइल फॉर्मेट्स, उसके एक्सेस राइट्स, उसके नेम, उसके स्टोरेज इम्प्लीमेंटेशन, सब कुछ देखना है यूज़र को, क्योंकि यूज़र डायरेक्टली डिस्क को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने DBMS इंट्रोड्यूस करा ताकि यूज़र मेन बिजनेस लॉजिक पे अपना काम करे एंड सारे स्टोरेज डिटेल्स को फॉर द टाइमिंग भूल जाए, ठीक है। तो ये कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग व्हाट इज़ DBMS एंड व्हाट इज़ इट्स नीड। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, बाय बाय।